75 साल के इतिहास में भारत की न्याय व्यवस्था का अगर कोई इतिहास लिखने लगेगा तो ये तय है कि उस इतिहास में ये लिखा जाएगा कि बहुसंख्यकों के साथ न्याय करने में भारत की न्याय व्यवस्था जो है कहीं से पीछे रहेगी। मंत्रालय ये बताए कि आपने मान लीजिए सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति करने आप गए या एडिशनल सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति करने गए, तो क्या आपने देश के उन सारे लोगों को जो इसी में आने की इच्छा रखते हैं उनको फॉर्म भरने का मौका दिया? आप अगर मान लीजिए स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्ति करने जा रहे हो तो स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्ति के जो मंत्रालयों में नियुक्त होते हैं आपने फॉर्म मंगाए थे क्या? अगर मंगाए थे तो कितने SC/ST/OBC के? अगर आपने मंगाए और मान ली सर्टेन परसेंटेज में या सर्टेन नंबर्स में इनके फॉर्म आए थे तो फिर उनमें से आपने कितने लोगों को नियुक्त कर दिया? क्योंकि जब तक ये सवाल नहीं कैटेगरी की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से पूछा जाएगा लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा। आप जब एक कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा SC/ST/OBC, आप दूसरी नौकरियों में जाएंगे तो आप पूछा जाएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत जो है सच्चाई जाएगी कि जुडिशरी में हमारा रिप्रेजेंटेशन का लेवल कितना है और नहीं है तो उसके जिम्मेवार कारण MPs हैं हमारे, मैं उनको मतलब सलाह देना चाहूंगी, अपनी राय रखती हूँ कि वो किस तरह की बात दमदार तरीके से सत्र में रखे। सबसे पहले जो उच्च न्यायालय है भारत के जितने भी, वहाँ SC/ST/OBC माइनॉरिटी कह सकते हैं बहुसंख्यक समाज से आने वाले जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी क्या स्थिति है इस पर खुलकर वो बात करें। आखिर कितने प्रतिशत हैं न्यायाधीश, जब तक पता नहीं होगा कि कितनी संख्या में हम हैं और वहाँ, क्योंकि ये एक संस्था सामाजिक न्याय देने वाली है, अगर यहाँ भी न्याय नहीं होगा तो हम और नीचे स्तर पर जो आर्थिक राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र है वहाँ न्याय की कैसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन मौर्य और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, जन जन की आवाज। साथियों, 14 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और यह सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि हमारे बहुसंख्यक समाज के करीब 300 से ज्यादा सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा में, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है हमारे जो सांसद हैं वो बहुसंख्यक समाज के मुद्दों को कितनी गंभीरता से संसद में उठाते हैं और उन्हें कौन से सवाल उठाने चाहिए। तो इसी विषय पर नज़र बनाए रखने के लिए हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है और इस प्रोग्राम का नाम है संसद में बहुसंख्यक के मुद्दे, और आज के इस प्रोग्राम का नाम है न्यायपालिका में बहुजनों की भागीदारी। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुधांशु कुमार जी और ऋतु रानी जी जो रिसर्च स्कॉलर हैं। तो आपका स्वागत है सर, आपका भी मैम। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे न्यायपालिका में बहुजनों की भागीदारी की क्या स्थिति है? बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने एक महत्वपूर्ण एपिसोड शुरू किया है और इसके माध्यम से आप पार्लियामेंटेरियन तक बहुसंख्यकों के प्रश्न पहुंचाना चाहते हैं जो पार्लियामेंट पूछे, एक अच्छी पहल है, मैं आपको इसके लिए साधुवाद देता हूँ। दरअसल देखिए, अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण पिलर होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और न्यायपालिका एक ऐसा पिलर है जहाँ पर बहुसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन नगण्य है। विधायिका में रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, जैसे आपने भी कहा कि 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और स्टेट्स में भी विधायक जीतकर आते हैं बहुसंख्यकों की तरफ से, लेकिन उसी अगर अनुपात में आप न्यायपालिका में देखने जाएंगे तो आपको बिल्कुल नहीं के बराबर जो है रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। चाहे आप न्यायपालिका में जुडिशरी ले लें या लॉयर्स की नियुक्ति ले लें, जहाँ पर भी आप देखोगे बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और रिजर्वेशन के प्रावधान किए नहीं गए हैं उच्च न्यायालयों में, और न्यायपालिका में न्याय मिले इसके लिए जरूरी है कि इन वर्गों का जो SC/ST/OBC और माइनॉरिटी की जो 90% आबादी है इस देश की उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से 70-75 सालों में इस तरफ कोई अच्छी प्रगति नहीं हुई है
और एकदम से जो सामाजिक न्याय का जो मामला है बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। जी शुक्रिया, दोबारा फिर आएंगे। उससे पहले मैडम से जान लेते हैं, मैडम क्या हो सकता है न्यायपालिका में बहुजनों की भागीदारी के लिए क्या मतलब हमारे सांसदों को सवाल करने चाहिए? सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ पीपल को धन्यवाद दूंगी कि आपने आज के इस खास चर्चा में मुझे आमंत्रित किया, मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। जैसा कि मेरे साथी ने कहा है और बहुत गंभीर बात की है कि जो लोकतंत्र है उसके जो पिलर है, जो तीन है, जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और उसमें न्यायपालिका भी सर्वोच्च है क्योंकि उसको हम सामाजिक न्याय की दृष्टि से देखते हैं, जो बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करे, देश में और भी जो घटित हो रही है चीजें उन पर नजर रखे और किसी की हक मारी ना हो, किसी को शोषित ना किया जाए, इस सब की भी खबर उसे हो और वो न्याय दिला सके। जहाँ तक बात है न्यायपालिका में आरक्षण की, वहाँ भागीदारी की, तो हम देखते हैं कि हालात बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है, हम तक पहुंच नहीं पाती। अब क्योंकि सत्र शुरुआत हो चुका है, पहला सेशन हो चुका है जो 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चला था और 14 मार्च से बजट का सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, जी यहाँ उम्मीद हम सभी बहुसंख्यक समाज के जो MPs हैं उन पर हम लगाए हुए हैं, देश भर की निगाहें उस पर हैं कि वो क्या मुद्दे इस बार सत्र में रखेंगे। और न्यायपालिका एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा विषय है, क्षेत्र है। यहाँ जो MPs हैं हमारे, मैं उनको मतलब सलाह देना चाहूँगी, अपनी राय रखती हूँ कि वो किस तरह की बात दमदार तरीके से सत्र में रखे। सबसे पहले जो उच्च न्यायालय है भारत के जितने भी, वहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी कह सकते हैं, बहुसंख्यक समाज से आने वाले जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी क्या स्थिति है, इस पर खुलकर वो बात करें। आखिर कितने प्रतिशत हैं न्यायाधीश, जब तक पता नहीं होगा कि कितनी संख्या में हम हैं, और वहाँ क्योंकि ये एक संस्था सामाजिक न्याय देने वाली है, अगर यहाँ भी न्याय नहीं होगा तो हम और नीचे स्तर पर जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र है वहाँ न्याय की कैसे बात कर सकते हैं। जो मेन हमारा पिलर है उसमें ही कम से कम सबसे पहले सामाजिक न्याय हो, तो यह देखना है और ये काम हमारे MPs करेंगे। उनको बहुत हिम्मत से और आगे बढ़कर ये सवाल रखना चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ यह भी उनको मतलब मुद्दा उठाना चाहिए न्यायाधीशों के साथ साथ जो वकील हैं, क्योंकि वकील भी उस सिस्टम का एक पार्ट है, तो जो वकील है वहाँ क्या स्थिति है SC ST OBC की, चाहे वो जूनियर एडवोकेट के लेवल पे हो या सीनियर एडवोकेट के लेवल पर हो, वहाँ कितनी भागीदारी है, कितने एप्लीकेशन फॉर्म अगर भराए जाते हैं जो कानून और न्याय मंत्रालय उसके माध्यम से, तो कितने एप्लीकेशन आते हैं, कितने लोग भरते हैं, हमारी कितनी संख्या है SC ST के, कितने आते हैं फॉर्म, इस सब का आंकड़ा यहाँ मांगा जाए। क्योंकि सत्र है और हम जानते हैं कि बहुत समय सीमा है, आए दिन कुछ ना कुछ बदलता है। अब सुनने में आ रहा है कि जैसे एक MP है उसको एक लिमिटेशन है कि दिन भर में 10 सवाल से ज्यादा वो ना पूछ सके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो यहाँ चिंता का विषय भी है कि अगर इस तरह की बात होगी तो लोकतंत्र में अपनी बात रखने की कैसे हम कह सकते हैं कि हिस्सेदारी होगी। और इसमें एक यह भी हो सकता है, वहाँ मुद्दे रखे हमारे जो MPs हैं, इसके साथ ही साथ जो 0 आवर्स होता है, जो 0 आवर्स होता है उसमें वहाँ अपनी बात रखे, जो मुद्दे हैं उस तरह से उनको रखे कि समय भी बचे और बात भी रखी जाए। और इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हम संसद में खड़े होकर ही बात रखें, वहां मौका मिले तो बात रखें, नहीं तो इसके इतर भी जो मंत्रालय है, जो हमारे MPs है, वो अपने लेटर हेड पर संबंधित जो संस्थान है, एजेंसियां है या अधिकारी है उनको लिखित में जवाबदेही मांगे कि आखिर क्या है इसके आंकड़े, क्योंकि यह जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे हम इस
प्रोसेस में नहीं आएंगे, हमें सही आंकड़े और सही जानकारी नहीं मिलेंगे और हम भटकाव की स्थिति में होंगे। तो न्यायपालिका जैसी संस्थान में जो सर्वोच्च है और यहाँ सबकी देश की निगाहें हैं और देश को चलाने में सही दिशा में न्याय दिलाने में उसकी बड़ी भूमिका है, तो यहाँ सही जिम्मेदारी के साथ काम हो और हमारे एमपी जो है सवाल रखे, ये हमें देखना है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं जिस पर हमारे साथी भी बात रखेंगे। जी बिल्कुल मैम, सही कहा कि जो न्यायपालिका में जितने भी वकील सीनियर वकील हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन मंगाए जाते हैं सर, उनकी मतलब कितने मतलब एप्लीकेशन किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये सामने आना जरूरी है। इसके अलावा और क्या उपाय हैं जो हमारे सांसद या एमपी जो संसद में क्वेश्चन उठा सकते हैं? देखिए, न्यायपालिका में दो चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि न्यायपालिका में हमारा रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन हो, और वो रिप्रेजेंटेशन क्यों हो, वो इसलिए कि इनको लोकतंत्र में न्याय तभी मिलेगा जब इनके न्यायाधीश होंगे, जब इनके इनके लॉयर्स होंगे, इनके अधिकारी वहां पर बैठे। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 75 साल के इतिहास में भारत की न्याय व्यवस्था का अगर कोई इतिहास लिखने बैठेगा तो ये तय है कि उस इतिहास में ये लिखा जाएगा कि बहुसंख्यकों के साथ न्याय करने में भारत की न्याय व्यवस्था जो है कहीं कहीं पीछे रही, या ईमानदारी से उसने न्याय नहीं किया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण देकर ये अपनी बात। इसी देश में 90s के दशक में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने किया गया और ओबीसी को आरक्षण दिया गया, यद्यपि कि वो आरक्षण मिलना चाहिए था उनको देश की आज़ादी के साथ, और उसके बावजूद भी जब वो 1990 में देने की कोशिश की बीपी सिंह की सरकार ने, तो उसको जब जाकर कोर्ट में ले जाया गया और वहां पर कोर्ट ने उसको 2 साल स्टे करके रखा, और ये अंतिम रूप जब जाके फैसला हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक फैसला दिया, और वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून थे उसमें एक पेच लगाया जो था क्रिमिनल। आज जब इस सरकार ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के प्रावधान किए जो आर्थिक आधार पर आरक्षण है और जिसकी कोई व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं है, एक तरह से भारत के संविधान को उन्होंने ओवर क्रॉस करके एक नए तरह की चीज करने की कोशिश की, लेकिन आश्चर्य है कि वही जुडिशियरी जो 1990 में ओबीसी रिजर्वेशन को 2.5 साल रोक कर रखती है इस बार एकदम चुप बैठी रही, कहीं पर कहीं कोई स्टे नहीं लगा। दूसरा, भारतीय न्याय व्यवस्था में यह देखा जाता था कि जब 50% से ऊपर आरक्षण के प्रावधान करने की कोशिश की जाती थी तो ये कहा जाता था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं जी, आप 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं दे सकते। इस रिजर्वेशन में 60% हो गया रिजर्वेशन 10% देने के बाद, लेकिन तब भी कोई स्टे नहीं लगता। तो ये सवाल खड़े करते हैं उनकी मानसिकता, इसलिए ये जो आज का डिबेट है इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये आप अपने पार्लियामेंटेरियन से कहिए कि ये क्यों होता है और आप इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं पूछते। बिल्कुल। दूसरा, कि जो क्या हो रहा है जुडिशियरी में, देखिए 2 लेयर है। एक लेयर है जहां पर जजों की नियुक्ति हो रही है, और दूसरा लेयर है जहां पर लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में लॉयर्स की नियुक्ति होती है जो डिफेंड करते हैं सरकार के कामों को कोर्ट के अंदर। ठीक है, 2 लेवल है। मैं सबसे पहले लॉयर वाला लेता हूं और उसमें आपको एक डिटेल देना चाहता हूं, और मैं पार्लियामेंटेरियन से अनुरोध करता हूं कि आप सवाल पूछिए इन लॉ मिनिस्ट्री से कि जो देश भर के मंत्रालय हैं, देश के केंद्रीय मंत्रालय और राज्यों के मंत्रालय जो है, वो जब स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्ति करती है, जब सीनियर काउंसिल की नियुक्ति होती है, जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में नियुक्तियां होती है, जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल है वहां नियुक्तियां होती है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉयर्स नियुक्त किए जाते हैं जो वहां जाकर सरकार के कामों को डिफेंड करते हैं, या हाई कोर्ट में या सबॉर्डिनेट कोर्ट में, उस समय जो या तो फॉर्म निकालती होगी लॉ मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल नियुक्तियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ मिनिस्ट्री निकालती होगी, और स्टेट में स्टेट मिनिस्टर निकालते होंगे मिनिस्ट्री निकालती होगी, तो क्या कभी इन मंत्रालयों ने ये जानने की कोशिश की कि ये जो आप फॉर्म निकालते हो उसमें कितने लोग हैं एससी एसटी ओबीसी के जो इनके तरफ ये जो है अपने लिए अपनी उम्मीदवारी दावा करते हैं? ये पार्लियामेंटरी को बहुत कैटेगरिकली पूछना चाहिए कि मंत्रालय ये बताए कि आपने मान लीजिए सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति करने आप गए या एडिशनल सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति करने गए,
तो क्या आपने देश के उन सारे लोगों को जो इसी में आने की इच्छा रखते हैं उनको फॉर्म भरने का मौका दिया? और अगर दिया तो आप उनसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए कि जो आपका फॉर्म आया तो उसमें किस एससी एसटी ओबीसी के कितने प्रेजेंटेशन थे? आप अगर मान ली स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्ति करने जा रहे हो तो स्टैंडिंग काउंसिल की नियुक्ति के जो मंत्रालयों में नियुक्त होते हैं आपने एक फॉर्म मंगाए थे क्या? अगर मंगाए थे तो उसमें कितने एससी एसटी ओबीसी के थे? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए कि अगर आपने मंगाए और मान ली सर्टेन परसेंटेज में या सर्टेन नंबर्स में इनके फॉर्म आए एससी एसटी ओबीसी के, तो फिर इनमें से आपने कितने लोगों को नियुक्त कर दिया? क्योंकि जब तक ये सवाल नहीं कैटेगरी की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से पूछा जाएगा लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा। और आपको भी बताऊं कि एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बहुत दूर करके रखा गया, उनको पता ही नहीं लगता, उनके लॉयर्स, अभी मैं आपको बताऊं एक ऐतिहासिक जी घटना है, 70-75 साल में पहली बार एक जो है पिछड़ी जाति के एक लॉयर को सीनियर काउंसिल का दर्जा मिला। ये कभी किसी में किसी पार्लियामेंटेरियन को पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा नियम है कि आपको कोई मिला ही नहीं सीनियर सीनियर एडवोकेट जो जो दर्जा दिया जाता है, आपको 75 साल में कोई एससी एसटी ओबीसी मिला नहीं? और अगर नहीं मिला तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कर क्या रही है भाई? आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं जो है? तो मेरा निवेदन रहेगा हमारे पार्लियामेंटरी से कि सवाल पूछे कि पहली बार क्यों हुआ, क्यों, क्या पहले किसी, ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या किसी एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने इसके लिए दर्जी दाखिल की थी कोर्ट के अंदर, जी और कोर्ट के अंदर जब दर्जी दाखिल की थी तो अर्जी दाखिल की तो क्या, उनको क्यों नहीं दिया गया, और जिनको दे रहे हैं उनका क्या पैमाना, ये सवाल पूछे जाने। बिल्कुल दूसरा जी देखिए क्या है कि जब ये एक अजीब सी, कि ये सवाल जब पूछेंगे तो ये तय है कि उत्तर क्या आएगा, नहीं जाति पूछते हैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते? आप जब एक कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा एससी हो एसटी हो ओबीसी हो, आप दूसरी नौकरियों में जाएंगे तो वहां पूछा जाएगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, बिल्कुल तो यहाँ पर क्या दिक्कत है? तो मेरा ये सवाल, मेरा ये निवेदन है हमारे जो 300 पार्लियामेंटेड आपने कहा कि उनसे ये हमारा निवेदन है कि आप पूछिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबॉर्डिनेट कोर्ट में जब आप नियुक्त करते हो, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ एक सवाल का, मान लीजिए कि क्या सवाल हो सकता है, जी जैसे मान लीजिए एक सवाल पूछा जा सकता है कि वेदर द फॉर्म फॉर एप्लीकेशन इन्वाइटेड बाय ऑब्लिक सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट इन वेरियस कैटेगरी सच एज असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द हाई कोर्ट्स, बेंचेज ऑफ हाई कोर्ट्स कंटेन डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट कैटेगरी सच एज एससी एसटी ओबीसी जनरल क्वेश्चन, इफ यस व्हाट इज द नंबर एंड परसेंटेज ऑफ एससी जी एसटी ओबीसी एडवोकेट्स? और अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो ये सवाल पूछना चाहिए पार्लियामेंटरी, भैया तुम्हें किसने रोक रखा है ये सवाल पूछने के लिए? क्या इसका मतलब क्या है कि आप ये डेटा नहीं लाना चाहते? तो हमारे पार्लियामेंटरी की जिम्मेवारी है, ये पूरा देश इस बात को बार बार कह रहा है कि भारत की न्याय व्यवस्था जो है वो बहुसंख्यकों के हित में नहीं है, बहुसंख्यकों को वहां से न्याय नहीं मिलता, तो उसके जो रूट काउज है उसकी खोज तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल सर और रूट काउज खोज तभी होगा जब आप पार्टी जो पार्लियामेंट से जब आप सवाल पूछेंगे, और पार्लियामेंट में जब मान लीजिए कि या तो 0 आवर में पूछे या स्टार्ट स्टार्ट क्वेश्चन में आप पूछोगे तो पूरे देश के फलक पर ये आएगा कि बिल्कुल भैया ये स्थिति है, हमने सवाल पूछा था और इनके पास डेटा नहीं, जी ऑब्वियस है सरकार कहेगी हमारे पास डेटा नहीं, तो पता ये जानना तो जब चाहिए ना कि और चीजों का डेटा है, इसका डेटा क्यों नहीं? इसलिए नहीं है कि आप हमें जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को आगे नहीं लाना आने देना चाहते, जो डिस्क्रिमिनेटर नहीं करते, जी इससे एक बड़ा फलक खुलेगा समाज के सामने, एक बहुत जो है सच्चाई जाएगी कि जुडिशरी में हमारा रिप्रेजेंटेशन का लेवल कितना है, और नहीं है तो उसके जिम्मेवार कारण क्या है। बिल्कुल सर, हमारे सांसदों को, जितने भी बहुसंख्यक समाज के जो सांसद हैं, उनको ऐसे सवाल अपने अपने मंत्रालय में विभिन्न मंत्रालयों से पूछना चाहिए। और अब मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं साथियों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो स्क्रीन में दिए गए एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूँ जी कि एक बार कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि जुडिशियरी की नियुक्ति जो होती है उसमें कॉलेजियम सिस्टम है, तो कॉलेजियम है तो रिजर्वेशन कहाँ से मिलेगा? ये जी मैं एक चीज यहाँ स्पष्ट कर दूँ आपके दर्शकों के लिए, जजेस की नियुक्ति में जरूर कॉलेजियम सिस्टम है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ये लॉयर्स नियुक्त हो रहे हैं यहाँ पर कोई कॉलेजियम सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ नियुक्त करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ अगर ईमानदार होगा एससी एसटी ओबीसी के साथ,
तो उनको ये रिजर्वेशन दिया जा सकता है, या मान लीजिए आप रिजर्वेशन वर्ड हटा दें, आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं बिना रिजर्वेशन दिए हुए भी, वो अगर आपने ये ध्यान रखना शुरू कर दिया कि सी एस टी ओबीसी के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बिल्कुल तो एक चीज, अच्छा सर। दूसरा कि जैसे मान लीजिए कि ये जो एससी एस टी ओबीसी का जब रिप्रेजेंटेशन होना शुरू होगा, क्या होता है कि जो जजेस की नियुक्तियां होती है जो सेकेंड लेयर है, जी ज्यादातर समय में ये देखा गया है कि जो ये सोलिसिटर जनरल नियुक्त हुए या एडिशनल सोलिसिटर जनरल नियुक्त हुए या इस तरह के और सीनियर काउंसिल नियुक्त होते हैं, स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त होते हैं, इनमें से ही ज्यादातर लोग जो है जजेस बनते हैं। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इनकी नियुक्तियां शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि जो कॉलेजियम है वहां से वहीं से उठाना शुरू कर दे और एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन शुरू हो जाए न्यायालय में। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के हाथ में है, और मैं अपने पार्लियामेंटेशन कहना चाहता हूँ कि जब आप ये सवाल पूछेंगे तो उनको थोड़ी कहीं कहीं उनके अंदर उनको अपने अंदर झांकने का मौका मिलेगा, और हो सकता है कि ये इस तरफ एक न्याय व्यवस्था में न्याय की शुरुआत होगी, मैं ये कहना चाहता। बिल्कुल सर, धन्यवाद। मैडम आपका भी धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, आपको मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपके अंदर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप और मेल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम की अगली इस सीरीज की अगली कड़ी में हम आपके क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। इस आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।